हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 4, सब्जेक्ट मैरीगोल्ड। वेकअप पोएम कंप्लीट हो चुकी है। आफ्टर नया अलार्म क्लॉक, चैप्टर एंड एक्सरसाइज ऑल कंप्लीट। सेकंड यूनिट 2, नोजेस। इस पोएम में नाक को लेके बात हुई है कि नाक कैसे होता है और कैसे ये इसको फनी बना रहे हैं। सो लेट्स रीड एंड सी। आई लुक इन द मिरर, वो अपना चेहरा मिरर के अंदर देख रही है। एंड लुक एट माई नोज, एंड क्या कह रही है, मैं अपना नाक देख रही हूँ। इट्स द फनीएस्ट थिंग, उसको कैसा लग रहा है, फनी जैसा। द वे इट ग्रोज, वो बढ़ता जाता है जैसे थोड़े थोड़े। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज विद टू लिटल होल्स वेयर द ब्रीथिंग गोज, जैसे कि हमारे नाक के अंदर कैसे दो हॉल होते हैं जिससे हम ब्रीथिंग ले सकते हैं, जिसके द्वारा हम जीते हैं, राइट। इज द इम्पोर्टेंट, वो देख रही है उसको। आई लुक इन द मिरर, वापस देख रही है। एंड सो इन देयर द एंड ऑफ माई चीन, अभी किसको देख रही है, चीन। एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर्स, और कहाँ से, चीन को देख रही थी, उसके बाद हेयर। एंड बिटवीन देयर, दोनों के बीच में। इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विथ माई नोज, दोनों के बीच में कितनी जगह है वो बोल रही है। लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर, एंड वो उसको कैसे हैंडल करती है उसकी बात कर रही है वो मिरर में देख के। इफ एवर यू वॉन्ट, अगर आप चाहो तो गिगल एंड शूट एंड कांट थिंक ऑफ वॉट टू डू इट अबाउट, जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट। देखो कैसे कह रही है कि वो मिरर के अंदर अपना चेहरा देख रही है, चेहरा देखते देखते वो अपना नाक देख रही है कि मेरा नाक कैसा है, कितना फनी है। वो अपने नाक को देख के हंस रही है कि नाक होता है उसके अंदर दो हॉल होते हैं, वो हॉल जो होते हैं उसके द्वारा वो ब्रीथिंग लेती है एंड उसकी बात कर रही है। लाइक दिख रहा है हम कैसे कैसे उसका नोज, देखो सेम नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। वैसे ही वो अपने नाक को एक मिरर में देख के वो फनीएस्ट थिंग फील कर रही है, कैसा है, कैसे बढ़ता है, कैसे ग्रो होता है, कैसे दो अंदर हॉल दिए, राइट साइड लेफ्ट साइड, किस कैसे ब्रीथिंग लेते हैं, विदाउट ब्रीथिंग हम जी नहीं सकते। तो नोज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ओके, पोएम वेरी, पोएम बहुत छोटी है एंड आपको इंग्लिश की नोटबुक में इसको कितनी बार लिखना है, वन टाइम लिखना है। जो इसके न्यू वर्ड्स दिए, मिरर, फनीएस्ट, ब्रीथिंग, स्टिकिंग एंड गिगल्स, ये भी आपको नोटबुक में 3 times लिखने हैं। ओके, रीडिंग इज द फन। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज अ फनी थिंग, क्यों लग रहा है उनको, क्यों ऐसा फील कर रहे हैं। सो आंसर, द नोज इज ग्रोज वेयर इट इज एंड स्टिक आउट ऑफ द फेस, देयरफॉर इट इज अ फनी थिंग। सी, क्वेश्चन आंसर एंड पोएम एंड न्यू वर्ड्स वो आपको इंग्लिश की नोटबुक में लिखनी है। सेकंड, व्हाई इज योर नोज इम्पोर्टेंट फॉर यू, क्यों जरूरी है। द नोज हैज टू होल्स थ्रॉट विच आई ब्रीथ, देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट फॉर माई लाइफ। देखो जैसे मैंने बोला ऐसे पोएम में कि नोज है उसके अंदर दो हॉल दिए जिसके जरा हम ब्रीथिंग लेते हैं, सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ। नेक्स्ट क्या दिया है, डज द चाइल्ड इन द पोयम लाइक हर नोज, व्हाई डू यू थिंक सो। सो आंसर इज यस, द चाइल्ड लाइक हर नोज, सी कंसीडर्स इट टू बी अ फनी थिंग विच स्टिक्स आउट जस्ट लाइक अ हैंडल। ध्यान से देखो, ओके क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है, उसके नीचे फर्स्ट का आंसर, सेकंड का क्वेश्चन, सेकंड के नीचे उसका आंसर, थर्ड का क्वेश्चन एंड उसके नीचे उसका आंसर, क्लियर।
उसके बाद क्या दिया है, लेट्स टॉक. ओके अभी बोलते हैं, डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन, डू दे मेक यू लाइफ, डिस्क्राइब करना. ओके एंड व्हाट डज द फीचर्स मीन्स, लुक अप द डिक्शनरीज, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड. इसी बातें करने के लिए दिया है. Let's sing. Sing these songs and march as you sing. When you come to ginger, take 2 steps back and say 2-3, then start again. There was a girl so tall and thin and fair. Her hair was the delicate shade of the ginger. Fun time, sit in the groups. But now, okay, group mein. Look at your friend's face and describe what you see. Use words like long, round, oval, slanted, sharp, flat to help you. You can use other words also. अगर आपको दूसरे words use करने तो भी कर सकते हैं इसके अलावा. So first क्या लिखा है, my friend has a long face. उसके friend का face कैसे है, लंबा है. She has a flat nose. और उसका nose कैसे एकदम flat है. She has a big sparkling ब्लैक आईज, कैसी उसकी आंखें है, ब्लैक कलर की. नेक्स्ट, व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट, डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंस. आपका जो फेवरेट हो आप लिख सकते हो. मैंने यहाँ पे मैंगो लिखा है, माय फेवरेट फ्रूट इज अ मैंगो. एज योर वीसा, आपका जो फेवरेट हो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और उसके बारे में 5 सेंटेंस डिस्क्राइब करने हैं. लाइक यहाँ पे किए है, हाउ डज इट स्मेल, उसकी स्मेल कैसी होती है. इट इज स्मेल्स गुड, मुझे मैंगो की स्मेल अच्छी लगती है, सो मैंने गुड लिखा है. हाउ डज इट लुक, वो लुक में कैसा है. इट इज अ येलो इन कलर. हाउ डज इट फील, इट इज वेरी सॉफ्ट टू ईट, खाती है तो कैसा लगता है, एकदम सॉफ्ट लगता है ना. सो फील क्या होता है, इट इज अ वेरी सॉफ्ट टू ईट. व्हेन यू बाइट इट, व्हाट साउंड डज इट मेक. इफ मेक इट मेक्स अ स्लप स्लप साउंड, खाते हैं तो कैसा आवाज आता है उस टाइम, वैसे कह रहे हैं. हाउ डज इट टेस्ट, कैसा टेस्ट है. इट टेस्ट डिलीशियस, एकदम एकदम मस्त लगता है उसका टेस्ट, ऐसा ये कह रहे हैं. ओके ये क्वेश्चन आंसर और जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो इंग्लिश की नोटबुक में आपको लिखना है. लेट्स एक्सरसाइज, अब ब्रीथिंग एक्सरसाइज ये करनी है हमें. कैसे करते है? देखो, क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल विथ योर राइट थंब, जो राइट साइड का नोज का पार्ट है उसको हमें बंद करना है. इनहेल स्लोली थॉट योर लेफ्ट नोस्ट्रिल टिल योर लंग्स आर फिल्ड विथ एयर. नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल विथ योर सेकंड एंड थर्ड फिंगर्स. देखो, रिमूव योर फिंगर फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल एंड द एक्सहेल थॉट इट. Repeat this exercise slowly in the beginning and with practice increase your speed. ये एक तरीके का योगा, ये एक्सरसाइज भी करते हैं हम. क्लियर. नेक्स्ट, लेट्स राइट, डू यू नो अ फिश ब्रीथ्स फ्रॉम इट्स गिल्स. हमें पता है ना कि मछली होती है वो अपने गिल्स से ब्रीथिंग करती है, उससे श्वास लेती है. Write 2 sentences about other animals which can breathe underwater. Underwater कौन कौन breathe करता है. Like the frog can breathe in water through their skin. देखो, एक fish and दूसरा क्या है, frog, मेढक. Punctuate the following passage. जो passage दिया है उसको हमें comma, exclamatory sentence ये सब करके complete करना है. इसमें ऐसे ही दिया है. See this paragraph. Like देखो, मदर फादर नीलम सेड, ऐसे ही दिया है. तो हमें क्या है, मदर में डबल कॉमा, उसके बाद मदर के बाद सिंगल कॉमा, फादर में डबल कॉमा, नीलम सेड सिंगल कॉमा, आफ्टर डबल कॉमा, आई हैव गॉट अ फायर इंजन. इंजन के बाद देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, आई के बाद कॉमा किया है, आई हैव का शॉर्ट फॉर्म दिया है, गॉट अ फायर इंजन, फायर के आफ्टर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डबल कॉमा, सेंटेंस फिनिश, आफ्टर न्यू सेंटेंस डबल कॉमा स्टार्ट. What's के बाद भी एक्सक्लेमेटरी कॉमा किया है. दिस एंड
व्हाट इज दिस, देखो क्वेश्चन मार्क किया, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज दिस डबल कॉमा, कॉल मदर सम व्हाट कैन फ्यूज्ड बाय द नोइज, अभी स्टार्टिंग में डबल कॉमा, आई हैव गॉट अ फायर इंजिन मदर कम एंड सी इट, देखो लास्ट में भी डबल कॉमा में सेंटेंस फिनिश किया है, सी क्लियर देख लो कहाँ पे कॉमा करना है कहाँ पे नहीं करना है, क्लियर नीचे क्या दिया है, यूजिंग अ रेड पेंसिल चूज एंड सर्कल द थिंग्स हु स्मेल यू लाइक, आपको किसकी स्मेल पसंद है, नाउ विथ अ ब्लू पेंसिल सर्कल द थिंग्स हु स्मेल यू डू नॉट लाइक, और ब्लू पेंसिल से सर्कल करोगे तो उसका मतलब है कि आपको उसकी स्मेल पसंद नहीं है, मेक अ फाइव सेंटेंस लाइक दिस, देखो आपको फाइव सेंटेंस इसके जैसे बनाने हैं, जैसे सैंपल दिया है, I like, do not like the smell of blank because it remind me of. First sentence हमने यहीं पे ऐड कर दिया है. I like smell of the paints because it remind me petrol. Otherwise, I do not like the smell. Okay? नीचे दिया petrol, rose candy, chocolate, chips, shampoo, rotten fruits and champa, dirty shoes, soap, agarbatti and marigold, paint. गार्बेज कॉफी एंड इलायची, सबको मिक्स करके सेंटेंस बनाते हैं, फर्स्ट आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ रोटन फ्रूट बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ डर्टी शूज, देखो उसको ये इसकी स्मेल नहीं पसंद है क्योंकि वो स्मेल लेता है तो उसको कैसा जैसे गंदे गंदे शूज होते हैं उसमें स्मेल आती है ना ऐसी लगती है इसलिए उसको नहीं पसंद, सो इसने कहा आई डू नॉट लाइक द स्मेल, नाउ सेकंड आई लाइक द स्मेल ऑफ द अगरबत्ती बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ स्टंट्स, उसको अगरबत्ती की स्मेल अच्छी लगती है, नाउ नेक्स्ट थर्ड आई लाइक द स्मेल ऑफ कॉफी बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ चॉकलेट, उसको कॉफी की स्मेल अच्छी लगती है क्योंकि उसमें से उसको चॉकलेट की स्मेल आती है, I like the smell of elaichi because it reminds me of champa. Okay, उसको इलायची की स्मेल पसंद है क्योंकि उसमें से उसको इस फ्लावर की स्मेल आती है. Clear? देखो what is it? Tall ears, twinkly nose, tiny tails and hop he goes. What is he? Can you guess? I feel him carrots and watercress. His ears are long, his tail is small and he doesn't make any noise. At all, tall ears, twinkly nose, tiny tails, and hope he goes. Write the three pairs of the words that rhyming with the each other. जो rhyming words है यहाँ पे लिखने हैं. Okay, like ear, tail, nose, goes. Guess, water, craze. Long, small, clear?